उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव ने सिरसागंज सीट से भाजपा से नामांकन किया है। इसके साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं नामांकन के दौरान कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार पर्चा दाखिल करने के लिए एक ही व्यक्ति के साथ एक दो लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति शासन द्वारा दी गई है। इस दौरान हरिओम यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव व मुलायम सिंह दोनों पिता पुत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन हरिओम यादव को परेशान करने के लिए ईडी चोटी का जोर लगा देंगे। आपको बता दें, हरिओम यादव समाजवादी पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं और इतना ही नहीं, मुलायम सिंह के समधी भी हैं। लेकिन हरिओम यादव की प्रोफेसर रामगोपाल यादव से पटरी न खाने की वजह से अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी पार्टी ने उन्हें फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। वहीं जब पत्रकारों द्वारा पार्टी प्रत्याशी हरिओम यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनता का बीजेपी पार्टी को पूरा सहयोग मिल रहा है, जिससे बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी का मूल वोट है और हमारा व्यक्तिगत जो आधार जन आधार है वो बीजेपी को वोट करेगा। इस आधार पर भारी बहुमत से हम लोग जीते। किस तरह की चुनौतियाँ सामने आ रही हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। यहाँ जिले में शकुनी पिता पुत्र हैं, वो चाहेंगे कि किसी तरह सिरसागंज का चुनाव जीते। उनका मानना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, लेकिन हरिओम को परेशान करने के लिए पिता पुत्र पूरी एटी एड़ी चोटी का चुन रहे हैं। यहाँ सपा का चुनाव नहीं, सपा समाजवादी पार्टी हमसे नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का में कुछ है नहीं। यहाँ दोनों पिता पुत्र अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगा के यहाँ चुनाव, जो वैसे उनने प्रतिष्ठा लगाई है वैसे ही समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जनता ने भी अपनी प्रतिष्ठा। सपा प्रमुख आपके मुलायम सिंह यादव आपके समधी है, क्या कारण आप सपा छोड़ करके इसमें आए? देखिए, नेताजी देश के बड़े नेता। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।